हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग। में गाइस, सुबह हो चुकी है और हमारे दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और प्रेजेंट टाइम में टाइम हो रहा है 6:15 हो रहा है। तो चलिए, अब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे रही हूँ। देखती हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ पाती हूँ। आज मैंने अपना सिलेबस लगा लिया है और वैसे तो मैंने एक बार TGT के ऑल नोट्स को मैंने एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, एक बार क्या कई बार रिवाइज किया है, लेकिन आज से मैंने सिलेबस भी लगा लिया है। अब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग मोबाइल में प्रैक्टिस करूँगी और गाइस, अब अपनी स्टडी थोड़ा फास्ट करनी है क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप भीड़ से पीछे रह जाओगे। और परीक्षा की डेट अभी नहीं आ रही है, लेकिन कोई नहीं, हमें ये मान करके तैयारी करनी चाहिए कि परीक्षा बस हमारा जल्दी ही है। तो चलिए, अपनी पढ़ाई को हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हमें लगता है कि पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छी जो मोटिवेशन लाइन है वो है अपने माँ बाप का सपना। जब भी आपका पढ़ाई में मन ना लगे, अपने माँ बाप से किए हुए वादों को, उनके सपनों को आप सोच लिया करो, आपका पढ़ाई में 100% मन लगेगा। इससे बड़ी और कोई मोटिवेशन चीज़ हमें लगता है कि नहीं हो सकती है। तो फाइनली पढ़ाई करने के बाद मैं नहा ली थी और पूजा भी मैंने कर लिया है और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। और आपको पता ही है कि मेरा प्रेजेंट टाइम में फास्ट चल रहा है, हमारे फास्ट का आज चौथा दिन है। तो अभी मैं अपने लिए नाश्ता भी प्रिपेयर करूँगी क्योंकि इस टाइम हल्का ही नाश्ता करना होता है। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा भर गया है तो व्रत का हमें लगता है कि कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, तो इसलिए हल्का ही भोजन करना होता है। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध ही नहीं थी, बस आलू रखा था तो वही मैं फ्राई कर रही थी और इधर मैं धनिया वगैरह काट रही हूँ। और जनरली पढ़ाई करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा सा, मतलब अच्छा महसूस होता है। मेरे मन में तो हमेशा ये चलता ही रहता है कि मुझे कितनी जल्दी जॉब मिल जाए। मुझे लगता है कि हमें पढ़ाई में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो भी हमारे काम है वो आप करते रहिए और उसके साथ स्टडी भी करते रहिए, क्योंकि दिन के 24 घंटे स्टडी कोई नहीं कर सकता है हर कोई। अगर आप किसी भी फॉर्म में, मतलब किसी भी फॉर्म में अप्लाई किए हो तो उसके लिए आप 4-5 घंटे पढ़ाई कर लेते हो तो मतलब काफ़ी। हर कोई पढ़ाई करता है तो सबसे पहले यही सोचता है कि जॉब कितनी जल्दी मिल जाए, कितनी जल्दी मिल जाए। लेकिन कोई नहीं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। खाने में सबसे पहले जो ऐड कर रही हूँ
वो है पपाया। तो गाइस आप लोग भी खाने में सबसे पहले कोई फ्रूट्स ऐड किया करो, फ्रूट्स यानी कि फ्रूट्स हो गया या सलाद जिसे बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप सबको पता है कि जो सलाद होता है वो हमको ऊर्जा नहीं देता, लेकिन हाँ हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में और हमारे पाचन तंत्र को मतलब अच्छे से कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और भोजन के बाद नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिर डाइजेस्ट होने में मुश्किल करता है, तो भोजन के पहले हमें अपने भोजन में सलाद ज़रूर ऐड करना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रूट पहले ऐड करना, नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रहता है तो मैं पहले ही खाती हूँ। तो चलिए फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हमने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली है और अब मुझे आ रही है नींद, तो मैं जा रही हूँ सोने और मैं आपसे मिलूँगी सोने के बाद। तो गाइस मैं सो करके उठ चुकी हूँ और आवाज़ और आपसे भी आपको लग रहा होगा, तो मैं कम से कम 2 घंटे की नींद ले ली हूँ, बहुत अच्छी नींद तो नहीं आई, नींद में पता नहीं कहाँ कहाँ के सपने आ रहे थे। और मैंने अपना नोट्स रख लिया है 3rd स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने के लिए, और उससे पहले मैं खाऊंगी मिठाई क्योंकि मुझे प्यास भी लगी है। ये मिठाई पेवर फ्राई की मिठाई है, ये मेरी मम्मी मुझे बना करके दी है, व्रत में खाने वाली मिठाई है। मिठाई खाने के बाद मैं अपने बालों में अप्लाई करूंगी ये पेस्ट, इसमें है आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर और रीठा पाउडर, ये मैं अपने बालों में अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं स्टडी स्टार्ट करूंगी। कहे ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब आपको रिजल्ट लगे, लगने के साथ साथ दिखे भी, जैसे मुझे तो रिजल्ट बहुत अच्छा है बट अभी मेरे बाल इतने सारे छोटे हैं, अगर मैं आपको अभी से बताऊंगी तो आप खुद ही कहोगे कि आपके बाल इतने छोटे छोटे हैं तो आप क्या बता रही हूँ, तो अभी मैं नहीं बता रही हूँ, बट मैं अभी से अप्लाई करूँगी बालों में। और चलिए तब तक के लिए मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरा यह छोटा सा और प्यारा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।